मैं डॉक्टर बलबीर सिंह है, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी एस एन कंपनी गवर्नमेंट कॉलेज। पिछली क्लास में हम लोग सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रहे थे। साइंटिफिक मेथड्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिए समाज वैज्ञानिकों का यह प्रयास रहता है कि अपने अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकता लाई जाए, अपने अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय बनाया जाए। उसी के अंतर्गत हम लोग ये बात कर रहे थे। पहली बात हमने यह बताने का प्रयास किया कि साइंटिफिक मेथड्स या सोशल साइंसेज के अंतर्गत साइंटिफिक स्टडी के लिए हमको सबसे पहले विज्ञान या साइंस का संबंध जरूरी है, जिसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया कि विज्ञान में विषय न होकर अध्ययन करने का एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है, एक परिप्रेक्ष्य है। अध्ययन करने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत किसी भी घटना का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो अपने अध्ययन में अपने अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह रहित बनाने की कोशिश करें। उसी के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए साइंस को समझना जरूरी है। उसमें आपको यह बताने की कोशिश की गई कि विज्ञान के विषय में होकर अध्ययन करने का एक तरीका, अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण है। अध्ययन करने का एक ऐसा तरीका या ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत किसी भी घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, बिना किसी पक्षपात के पूर्वाग्रह रहे और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, उस अध्ययन को हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी समाज वैज्ञानिकों का यह प्रयास रहता है कि वो जब अपने अध्ययन क्षेत्र में जाए और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें तो उसमें अधिक से अधिक वैज्ञानिकता लाने का प्रयास किया जाए। उसके अंतर्गत आपने बताया था कि हमने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञान में विषय का अध्ययन करने के तरीका एक दृष्टिकोण है, ऐसा तरीका है दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत किसी भी घटना का व्यवस्थित क्रमबद्ध, बिना किसी पक्षपात के पूर्वाग्रह रहित दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। उसको हमने विज्ञान कहा। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल साइंस होती है और एक सोशल साइंस है। नेचुरल साइंसेस या प्राकृतिक विज्ञान वे विज्ञान है जो प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी समाज वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है कि वो सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन। जिस प्रकार से बात करें कि नेचुरल साइंसेस के अंतर्गत जैसे आपका पर्यावरण विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, भूगोल है या अन्य जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है, उनमें जो प्राकृतिक वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अध्ययन को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक के वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सोशल साइंसेज में भी समाज विज्ञानों में भी अध्ययन करता यह प्रयास रहता है कि वो जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करे वही घटनाएं अधिक से अधिक वैज्ञानिक। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्राकृतिक वैज्ञानिक प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, समाज विज्ञानियों का भी यह प्रयास रहता है कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान में जो साइंटिफिक मेथड है या साइंटिफिक प्रोसीजर है, वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत समाज वैज्ञानिक एक प्लान बनाकर एक योजना के अंतर्गत अपने अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात और अपने अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं को देखने के लिए तथ्य संकलन करने के लिए जब अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं तो वे वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति की अनेक विशेषताएं बताई हैं। उनके अंतर्गत जो समाज वैज्ञानिक हैं जैसे
कार्ल पियर्सन है, स्टुअर्ट चेज है, हेडोन है, ऑगस्ट कॉम्टे है, जॉर्ज लुम्बर्ग है, बुन है, इन सभी समाज वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से या अपने अपने तरीके से वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करने की कोशिश की। लेकिन इन सभी वैज्ञानिकों का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें, इन सब वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का या इनके द्वारा बताए गए विचारों का कंक्लूजन करें, उनका निष्कर्ष निकालें, तो एक बात उभर कर बिल्कुल सामने आती है, वो यह है कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक अध्ययन करने का मतलब है कि समाज वैज्ञानिकों समाज विज्ञान के अंतर्गत समाज वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं को अधिक से अधिक वस्तुओं के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, अधिक से अधिक उसमें वैज्ञानिक का लाने की कोशिश करें। ये तमाम जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से इनको परिभाषित करने की कोशिश की। इन सब परिभाषाओं को जब हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो एक चीज उभर कर आती है, एक बात सामने उभर कर आती है, वो यह है कि जो इन समाज वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है उन सब परिभाषाओं से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर हम लोग कुछ विशेष बातें कुछ विशेषताएं जब अध्ययन पद्धति में देखने को मिलती है तो उन अध्ययन पद्धतियों में दिखने वाली विशेषताओं का आधार हम ये कह सकते हैं कि यह अध्ययन वैज्ञानिक है। उस दृष्टिकोण से जब इन सब समाज वैज्ञानिकों का हमने परिभाषाओं का उनके द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण कर लिया तो एक बात उभर कर आई कि समाज विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में जहां तक बात करें, सबसे पहले जो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है वस्तुनिष्ठ, और वस्तुनिष्ठता विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। कहा जाता है कि जहां पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है वहां पर विज्ञान देखने को मिलता है, जहां पर विज्ञान है इसका मतलब हम यहां यह मान के चलें कि वहां पर हमको वस्तुनिष्ठता निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। वस्तुनिष्ठता क्या है इसके बारे में हम पूर्व में भी एक बार आपको परिभाषित कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, एक बार पूरे वस्तुनिष्ठता के बारे में संक्षिप्त में प्रकार डालने की कोशिश करेंगे। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी से तात्पर्य यह है कोई घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना का उसी रूप में अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। कोई घटना वो चाहे प्राकृतिक घटना है चाहे सामाजिक घटना, कोई घटना जिस रूप में घटित होती है उस घटना का उसी रूप में वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना, उसकी विवेचना करना, इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जैसा है एजिटिव, जैसा है यानी जो घटना जिस रूप में है हम उस घटना का उसी रूप में वर्णन करने का प्रयास करें, इस गुण को वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। वस्तुनिष्ठता समाज विज्ञानों में सॉरी वस्तुनिष्ठता के नाते बात है सामाजिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता अपने तरफ से भरसक प्रयत्न करता है कि अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की कोशिश करे। लेकिन चूंकि प्राकृतिक विज्ञानों में और समाज विज्ञानों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है जिसके कारण वस्तुनिष्ठता में कई बार कठिनाई महसूस होती है, वो यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों में जब प्राकृतिक वैज्ञानिक प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वे प्राकृतिक घटनाएं अध्ययनकर्ता को किसी न किसी रूप में भी प्रभावित नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वनस्पति शास्त्री जब वनस्पति का अध्ययन करता है, पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, तो वो पेड़ पौधों के साथ किसी भी प्रकार से वो छेड़छाड़ कर सकता है, उनकी काट छाट कर सकता है, उनका डिसेक्शन कर सकता है। ठीक है, वो जो वनस्पति है वो अध्ययनकर्ता को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करती। लेकिन समाज विज्ञानों की जहां तक बात है, समाज विज्ञानों में एक बड़ी अजीब सी समस्या देखने को मिलती है, वह यह है कि समाज विज्ञानों में जो कि अध्ययनकर्ता एक मानव होता है, एक मनुष्य होता है, और सामाजिक घटनाएं जिनका कि अध्ययनकर्ता अध्ययन करने जा रहा है या अध्ययन कर रहा है वे सामाजिक घटनाएं मनुष्य से संबंधित होती है। तो क्योंकि सामाजिक घटनाओं में समाज विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, समाज के जो कुछ भी विद्यमान है उन सबका अध्ययन करते हैं, वह विषय समाज विज्ञान या समाजशास्त्र कहलाता है। तो अध्ययन करते समाज विज्ञान में समस्या आती है यह कि अध्ययन करने वाला एक मानव है और अध्ययन वस्तु मानव है या मानव से संबंधित है। अब मानव में अनेक मानवीय गुणों और अवगुणों का समावेश होता है, ठीक है, जैसे हम
बुरा लगता है, किसी से मनुष्य को लगाव होता है, किसी से मनुष्य को घृणा होती है, किसी पर क्रोध आता है, किसी पर ममता आती है, किसी पर दया आती है, ठीक है, वात्सल्य आती है। ये ऐसे कुछ गुण हैं जो मानव में समावेश होते हैं। तो इतने गुणों और अवगुणों वाला व्यक्ति जब दूसरे इतने ही गुणों और अवगुणों वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है तो उसमें 100% वस्तुनिष्ठा पाया जाना बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी समाज विज्ञान में अध्ययन करने का प्रयास करता है कि वो सामाजिक गुणों का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से आए। तो जो बात आती है कि साहब 100% वस्तुनिष्ठा क्यों नहीं आता, उसका कारण है जैसा कि अभी हमने आपको स्पष्ट कर दिया, अध्ययन करने वाला मनुष्य और जिसका अध्ययन किया जा रहा है वह घटना मनुष्य है या मनुष्य से घटना मनुष्य से संबंधित है। तो एक इतने गुणों और एक मानव जिसमें कि मानवीय गुण और अवगुण है, दूसरे मानव के अध्ययन करने जा रहा है जिसमें भी अनेक मानवीय गुण और अवगुण है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करता है तो उसमें 100% वस्तुनिष्ठता नहीं आती, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठा या सब्जेक्टिविटी का समावेश हो जाता है। इसलिए समाज में ऐसी कठिनाई महसूस होती है कि 100% वस्तुनिष्ठा नहीं आती। फिर भी समाज वैज्ञानिकों का यह प्रयास रहता है कि अपने अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठता आने का प्रयास करें। तो वैज्ञानिक पद्धति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठा पाई जाती है, समाज विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से की जाती है। उतनी वस्तुनिष्ठा तो नहीं आ पाती जितनी वस्तुनिष्ठा प्राकृतिक विज्ञानों में आ पाती है, लेकिन फिर भी समाज वैज्ञानिकों का यह प्रयास रहता है कि अपने अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठा लाने का प्रयास है। तो वस्तुनिष्ठा का तात्पर्य जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, इस गुण को वस्तुनिष्ठा कहते हैं। अब अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। सामाजिक विज्ञानों की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है रेशनलिटी, जिसको कहा जाता है। और तार्किकता का जहां तक बात है यह वैज्ञानिक पद्धति की एक ऐसी विशेषता है जिसमें जो कि तार्किक रूप से सशक्त है। जॉन डेवी ने अपनी कृति हाउ वी थिंक में लिखा है कि इस तार्किकता की बहुत अधिक उपेक्षा सामान्य वैज्ञानिक पद्धति में की जाती है। जॉन डेवी का कहना है कि यह जो तार्किकता है जिसका कि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा समावेश होना चाहिए और इसकी सामान्यतः उपेक्षा की जाती है। आगे जाकर के कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति वस्तुतः संपूर्ण तार्किक ढांचे पर आधारित है। तर्क तो वे नियम हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक अपनी पद्धति के प्रत्येक पदार्थ तथा उपयोग में लाए जाने वाली तथा लाई गई प्रत्येक पद्धति के औचित्य का उपयुक्तता का परीक्षण करता है। वह अपने निष्कर्ष की सत्यता की परीक्षा तर्क की छोटी पर होती है। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठा के पश्चात तो दूसरी विशेषता उनको देखने के लिए वह होती है तर्क। तर्कपरक तत्वश निर्णय किया जाए, तत्परक उनका वर्गीकरण किया जाए, तत्परक उनका विश्लेषण किया जाए, तत्पश्चात तत्परक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाए ताकि तर्कपरक सामान्यीकरण हो सके और तर्क सिद्धांतों का निर्माण हो सके। तो समाज विज्ञान की जो दूसरी विशेषता है वह है तार्किकता या रेशनलिटी। तीसरी विशेषता है उपकल्पना का निर्माण। समाज विज्ञानों में जब अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन विषय का चयन करने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व एक अध्ययन विषय के निष्कर्षों से संबंधित एक कल्पना करता है, उसके मस्तिष्क में एक विचार तथ्य संकलन के आधार के स्वरूप पर बहुत हमारे मन में एक धारणा पहले से ही होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय का चुनाव करने के पश्चात संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात जब अध्ययन क्षेत्र का चुनाव कर लेता है तो उससे पूर्व तथ्य संकलन करने से पूर्व अध्ययनकर्ता के मन में एक विचार पैदा हो जाता है उस अध्ययन से संबंधित, उस अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित। तो अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित, अध्ययन से संबंधित अध्ययनकर्ता के मन में जो विचार पैदा होता है उसी विचार को उपकल्पना कहा जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपकल्पना सामान्यतः अध्ययन विषय से संबंधित एक अटकल पक्ष अनुमान है। अटकल पक्ष से तात्पर्य एक मोटा मोटा एक अनुमान अध्ययनकर्ता के द्वारा लगाया जाता है कि मैं
जिस विषय को लेकर अध्ययन करने जा रहा हूं, अध्ययन क्षेत्र में जा रहा हूं, उस विषय से संबंधित जो मैं तथ्य संकलित करूंगा और उनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष शायद ऐसा होगा, इस प्रकार का अनुमान एक विचार अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क में तथ्य संकलन करने से तथ्य संकलन करने से पहले तथा निष्कर्ष करने से पहले ही उसके मन में विचार आता है, उस विचार को कल्पना करना चाहिए। ठीक है, इसकी परिभाषा की जहां तक बात है, रुनबर्ग ने, विवियन ने, अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने समाज वैज्ञानिक ने उपकल्पना की या हाइपोथेसिस या परिकल्पना की परिभाषा इस प्रकार से दी है। उनका कहना है कि उपकल्पना, कोई भी उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित कोई भी अकल्पचु अनुमान ये एक विचार है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंधित एक अकल्पचु अनुमान या विचार है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है। कहने का तात्पर्य अनुसंधानकर्ता के मनोमस्तिष्क में एक विचार आ जाता है, एक प्रकार से कल्पना तो वो करता है, लेकिन वो कल्पना करके उस कल्पना के आधार पर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित नहीं करता है। अगर वो पहले ही कल्पना कर लेगा और उस कल्पना के आधार पर उस कल्पना को एक प्रमाण तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के चरणों का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता एक उपकल्पना एक विचार मान लेता है, लेकिन उस विचार को उपकल्पना को बनाने के पश्चात उस उपकल्पना के आधार पर तथ्य संकलित नहीं करता है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है, वो उस उपकल्पना को बनाकर उपकल्पना के कुछ बिंदु बनाकर उनको एक तरफ रख देता है और भूल जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया कि उपकल्पना या परिकल्पना है अध्ययन विषय से संबंधित कोई भी अकल्पचु अनुमान क्या विचार है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है। कहने का तात्पर्य उसने उपकल्पना कर ली, विचार बना लिया, लेकिन उस विचार को बनाकर साइड कर दिया, तब पश्चात वह अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित करता है। जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया जिसकी सत्यता की परीक्षा करना बाकी है, उसकी सत्यता की परीक्षा कब होगी, जब अध्ययन करना अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलन करने की विभिन्न विधियों के माध्यम से तथ्य संकलित कर लेगा, उनका वर्गीकरण करेगा, सारणीयन करेगा, उनको विश्लेषण करने के पश्चात जब निष्कर्ष निकालेगा तो निष्कर्ष निकालने के पश्चात अपने उपकल्पना का और निष्कर्षों का मिलान करेगा और मिलान करने के पश्चात वो देखेगा कि उसने अध्ययन विषय से संबंधित जो उपकल्पना बनाई थी वो कितनी सही है कितनी गलत है। वो उपकल्पना 100% सही भी हो सकती है, 100% गलत भी हो सकती है, 50% सही 50% गलत भी हो सकती है, लेकिन अध्ययनकर्ता ने उपकल्पना के आधार पर संकलन नहीं किया है। इस प्रकार से उपकल्पना का निर्माण सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चरण है। तो वैज्ञानिक प्रगति की क्या बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसके अंतर्गत उपकल्पना का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट, अगली जो इसकी विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की, वह है संशयात्मकता। संशयात्मकता से तात्पर्य जैसा कि पूर्व में देखेंगे कि विज्ञान की या वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता है कि विज्ञान संशय पैदा करता है, किसी भी घटना को देखता है उसको संदेह की दृष्टि से देखता है, उसको शक की दृष्टि से देखता है। संशय या संदेह की प्रकृति वैज्ञानिक पद्धति की अनिवार्य विशेषता है, क्योंकि जब तक हम किसी घटना को लेकर उस घटना से संबंधित संशय पैदा नहीं करेंगे, एक जिसको कहते हैं कि कौतूहल अध्ययनकर्ता के मन में पैदा करता है, उस कौतूहल को जो अगला जो रूप देखने को मिलता है वह संशय के रूप में दिखाई देता है। तो संशय या संदेह की प्रकृति वैज्ञानिक पद्धति की अनिवार्य विशेषता है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के प्रत्येक कार्य संशय या संदेह से शुरू होते हैं। वैज्ञानिक लोग जो है अपने अध्ययन में संशय या संदेह से ही शुरुआत करते हैं, जहां कहीं भी थोड़े से अपर्याप्त जहां कहीं भी थोड़े से अपर्याप्त प्रमाण दिखाई देते हैं वहां विज्ञान संशय कर जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति की एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संशय। अगली इसकी जो विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वह है सामान्य
सामान्य जनरल और सामान्य या जनरलिटी से तात्पर्य है कि समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनों में एक समानता या समानता देखते हैं, सामान्यता देखने को मिलती है। सामान्यता की विशेषता के दो अर्थ हैं। पहला, वैज्ञानिक पद्धति की सभी शाखाओं में, वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में सामान्यता होती है। यह नहीं कि एक शाखा के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक तरह की हो और दूसरी शाखा के लिए वैज्ञानिक पद्धति दूसरी तरह। इसका मतलब यह है कि सामाजिक विज्ञानों में जितने भी अध्ययन किए जाते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक विज्ञान हो, अपने अध्ययन वस्तु या अपने अध्ययन विषय का जो अध्ययन करता है, तो सभी सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति एक ही तरह के काम में ली जाती है। यदि कि एक अध्ययन के लिए तो एक सामाजिक अध्ययन के लिए तो अलग प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति होगी और दूसरे सामाजिक अध्ययन के लिए दूसरे प्रकार की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होगी। सभी प्रकार के सामाजिक अध्ययनों में एक ही प्रकार की अध्ययन पद्धति होती है, इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में सामान्यता उसके महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक पद्धति विषय के संबंध में सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने की पद्धति, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हम जिस सत्य को ढूंढ निकालते हैं या जिस नियम का प्रतिपादन करते हैं, वह किसी एक विषय घटना के अंतर्गत किसी एक इकाई के एक इकाई से संबंध में, एक इकाई के संबंध में नहीं होता है, अपितु सभी इकाई के संबंध में सामान्य होता है। कहने का तात्पर्य सभी सामाजिक विज्ञानों में एक ही प्रकार की साइंटिफिक मेथड के एक प्रकार की अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है। तो सामान्य अगली जो सामाजिक विज्ञानों की विशेषता है वह है नियंत्रण एवं सत्यापन विशेषता। इसी तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान वेत्ता की प्रत्येक क्रिया नियंत्रित, यानी कि अध्ययन करता हुआ जब अध्ययन करता अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उन पर अनेक प्रविधियों के माध्यम से नियंत्रण बनाया जाता है। अध्ययन करता पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय प्रश्न सकते। अध्ययन करता पर अनेक प्रविधियों के माध्यम से नियंत्रण लगाया जाता है। विज्ञान वेत्ता की प्रत्येक क्रिया नियंत्रित होती है तथा सत्यापित होती रहे, यह नियंत्रण और सत्यापन तब तक चलता रहता है जब तक कि वैज्ञानिक तुलनात्मक रूप में अधिक विश्वसनीय परिणामों तक नहीं पहुंचता है। यानी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करता पर नियंत्रण लगाया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिस प्रकार से वस्तु विषय की बात करें, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति की या वैज्ञानिक अध्ययनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका सत्यापन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कोई भी अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन तभी वैज्ञानिक समझा जाता है जब उसका सत्यापन किया जा सके। कहने का तात्पर्य जब अध्ययन हमने किया उसकी परीक्षा की जा सके, ना सिर्फ परीक्षा की जा सके बल्कि बार बार परीक्षा की जा सके, उसका बार बार सत्यापन किया जा सके, तो ही वह अध्ययन वैज्ञानिक है। जल है किसी भी देश में, इंडिया में, अमेरिका में, श्रीलंका में, ब्रिटेन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी चले जाओ, H2O जल जल ही है। वो जल चाहे गंगा जल है, चाहे पेपर का जल है, चाहे नाली का जल है, जल जल। अब कोई ये कहे कि साहब H2O जल नहीं होता है तो आप कहेंगे आप करके देखिए तो हाइड्रोजन उनको मिला के देखिए H2O बनेगा, जल बनेगा। कभी भी कहीं भी किसी भी समय जल जल है तो कोई संदेह पैदा करता है तो उसको सत्यापित किया जा सकता है, उसकी परीक्षा की जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें सत्यापन चिंता का होना चाहिए, वैज्ञानिक घटनाएं जो हो उनका सत्यापन किया जाना चाहिए। तो सत्यापन चिंता एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। जैसे हम कहें कि कोई विद्यार्थी हमको कहे कि साहब हमने भूत देखा, देखते ना कि विज्ञान या वैज्ञानिक भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है
कितने विद्यार्थी के साथ हमने उस चौराहे पर भूत देखा, हम कहेंगे चलिए हमें दिखाइए। वो विद्यार्थी हमको चौराहे तक लेके जाता है, वो कहते साहब हमने यहाँ भूत देखा था, तो हम कहेंगे भैया हमें तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर मैंने देखा था भैया, हमको दिखाओ, हमको नहीं दिखाई दे रहा। वो कैसे आप देखिए मेरे पीछे बाबा मेरे कपड़े नोच डाल, मेरे पास बालों को नोच लिया, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए विज्ञान इस प्रकार के भूत प्रेतों में इस प्रकार के अविश्वसनीय बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उनकी पुनः परीक्षा नहीं की जा सकती, उनका सत्यापन संभव नहीं है, इसलिए विज्ञान उन बातों में विश्वास नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि विज्ञान में वैज्ञानिक सबसे बड़ी विशेषता है कि सत्यापनशीलता का गुण होना चाहिए, उनको बार बार उनको परीक्षा की जा सके, परीक्षण किया जा सके, पुनः परीक्षण किया जा सके। इसलिए सत्यापनशीलता वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। इसके प्रसार अगली जो विशेषता थी वह अमूर्तीकरण एवं सिद्धांत के नाम। अमूर्तीकरण एवं सिद्धांत, इससे तात्पर्य है कि नियम अमूर्त है। पहली बात तो समाजशास्त्र क्योंकि ऐसा विषय है, समाज विज्ञान ऐसे विषय है जो कि सामाजिक घटनाएं सामाजिक घटनाओं पर अध्ययन करते हैं। समाज अमूर्त है क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है, सामाजिक संबंधों को हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए समाज को भी देख नहीं सकते, ठीक है। इसलिए समाज अमूर्त है, इसलिए सामाजिक विज्ञानों में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी यह विशेषता है कि वो अमूर्त होती है, क्योंकि नियम अमूर्त होते हैं, नियमों को लागू किया जाता है, नियमों को देखा नहीं जाता है। तथ्यों के प्रकाश में आने पर अनेक कारणों और अनेक नियमों का पता लगता है, इन नियमों के संबंधों का पता लगता है, इस प्रकार एक जटिल व्यवस्था और सिद्धांत का ज्ञान होता है। सिद्धांतवाद वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य लक्ष्य है। पहले बता दें इन तमाम विशेषताओं के पश्चात जो सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन जब अंतिम चरणों में पहुंचते हैं या यह कहो कि सामाजिक अध्ययन जिस उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं, उन उद्देश्य का जो होता है जिस पर्पज को लेकर जो सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उद्देश्य है कि सिद्धांतों का निर्माण। और सिद्धांतों का निर्माण जब तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं, अध्ययनकर्ता के द्वारा उनका वर्गीकरण विश्लेषण कर लिया जाता है, तो सामान्यीकरण वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच।